पिछले एक महीने का डाटा देखें तो निफ्टी अराउंड 7.47% का छलांग लगाया है। जी हाँ, यहाँ पे 1162 पॉइंट का तेजी देखने को मिला है। अगर मैं 17 जून से अब तक का डाटा देखूं तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 10% का तेजी देखने को मिला है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस कारण के चलते मार्केट में यहाँ पे लगातार तेजी का रुझान बना हुआ है और आने वाले टाइम में मार्केट का क्या हाल हो सकता है, हम इस पे बात करेंगे। यहाँ निफ्टी 50 का टेक्निकल रिसर्च रखेंगे, जानेंगे कि यहाँ पे आने वाले टाइम में कितना और छलांग देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही साथ मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की बात करूंगा। मैं यहाँ पे बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या ये लमसम का सही समय है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। कौन सा म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा, कौन से म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखाओ, पोर्टफोलियो का डिजाइन, पोर्टफोलियो का एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फिनेंशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आज के दिन मार्केट का क्या हाल रहा। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो 390 पॉइंट का छलांग, निफ्टी 50 में यहाँ पे 114 पॉइंट का छलांग देखने को मिला है। अगर मैं मिड कैप की बात करूँ, निफ्टी मिड कैप 50, तो यहाँ पे मामूली सा 0.16% का तेजी देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में आज जो छलांग देखने को मिला है 1.49% के करीब में, और निफ्टी आईटी में आज गिरावट है, 0.62% का गिरावट देखने को मिला है। जैसा कि मैंने आपके सामने डाटा पेश किया कि 17 जून से अब तक 10% का तेजी निफ्टी में देखने को मिला है। अब किन कारणों से मार्केट में तेजी है? देखो, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें इन्वेस्टर को बताया था कि FII का डाटा यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। जी हाँ, FII के साइड से काफी ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रहा है। और अगर देखा जाए तो जब से मार्केट में गिरावट है, जैसे कि अगर हम अक्टूबर 2021 से देखें, FII अपने साइड से लगातार बेच के माल चल रहा है। और अब अगर आंकड़ा मैं आपके सामने रखूं तो आप चौंक जाओगे, क्या यहाँ पे FII अपने साइड से खरीदारी स्टार्ट कर दिया है? चलिए सबसे पहले इस पे हम नज़र डालते हैं। कुछ डाटा मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर मैं डाटा आपके सामने रखूँ तो वो FII और DII का डाटा है। अगर आप देखोगे, हर महीने का डाटा यहाँ पे मैंने आपके सामने रखा है। जून में जो FII का यहाँ पे बिकवाली था वो आप देख सकते हो 58,000 करोड़ के करीब में। यहाँ पे अगर हम DII के साइड से देखें तो DII के साइड से खरीदारी देखने को मिला ऑलमोस्ट 46,000 करोड़ के ऊपर। वैसे ही अगर मई का डाटा देखोगे, वैसे ही अप्रैल का डाटा, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर 2021, तो आपको देखने को मिलेगा कि लगातार FII यहाँ पे बिकवाली करके चला है। कोई 2,000-5,000 करोड़ का बिकवाली नहीं है। अगर आप देखोगे तो महीने में यहाँ पे जून के महीने में जो डाटा है वो 58,000 करोड़ का है। अगर आप मई के महीने में देखोगे तो 54,000 करोड़ का है। वहीं पे 40,000 करोड़ का अप्रैल के महीने में है। अब इतना ज्यादा जो FII के साइड से प्रेशर था, एग्जैक्टली मार्केट में गिरावट तो देखने को मिलता ही मिलता, लेकिन अब आंकड़ा चेंज होता हुआ देखने को मिला है। अब तक अगर मैं जुलाई का डाटा आपके सामने रखूं, आप देख के थोड़ा शॉक हो जाओगे। जी हाँ, जो यहाँ पे जून के महीने में 58,000 करोड़ का बिकवाली FII के साइड से देखने को मिला, वो यहाँ पे जुलाई के महीने में अब तक जो बिकवाली है सिर्फ 5,700 करोड़ के करीब में है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 5,700 करोड़ का सिर्फ बिकवाली है। इट मीन्स डाटा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। और अगर मैं पिछले 4 दिन का डाटा रखूँ तो FII का जो यहाँ पे डाटा दिख रहा है वो खरीदारी का दिख रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने 18 जुलाई का डाटा रखूँ, 156 करोड़ का खरीदारी FII के साइड से देखने को मिला। वहीं पर 19 जुलाई को 976 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला। वहीं से 20 जुलाई की बात करें तो 1780 करोड़ का, और अगर मैं 21 जुलाई की बात करूं तो 1799 करोड़ का यहां पे खरीदारी देखने को मिला। और 22 जुलाई का भी डाटा देखोगे तो यहां भी पॉजिटिव ही आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ दिनों से जो FII के साइड से खरीदारी है, ये संकेत दे रहा है कि मार्केट में आपको और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगा।
तो हिस्ट्री उठा के आप देख लो, जब जब FII यहाँ पे खरीदारी स्टार्ट किया है इंडियन स्टॉक मार्केट में, मार्केट का लेवल हमेशा ऊपर की ओर भागता हुआ देखने को मिला है। अब मैं आपके सामने कुछ टेक्निकल रिसर्च रखूंगा, जानेंगे कि निफ्टी 50 का आगे क्या हाल हो सकता है, क्या यहाँ से गिरावट होगा कि और ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिलेगा। चलिए आपके सामने मैं यहाँ पे डाटा रखता हूँ। सबसे पहले जो मैं डाटा आपके सामने रख रहा हूँ वो इंडिया वीक्स का डाटा है। जी हाँ, मैंने बताया था कि जो इंडिया वीक्स का डाटा है इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट का मूवमेंट कैसा होगा। देखो, अगर इंडिया वीक्स यहाँ पे नीचे की ओर मूव कर रहा है तो ठीक इसका उल्टा स्टॉक मार्केट जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी में आपको तेज़ी का रुझान देखने को मिलेगा। वैसे में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो इंडिया वीक्स है उसका डाटा आप देख सकते हो गिरावट की तरफ मूव हो रहा है। इट मीन्स कि अगर मैं MACD की बात करूँ तो ये जो ब्लू लाइन है रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे की ओर जा रहा है, और यहाँ पे इस डाटा को देख के हम बोल सकते हैं कि इंडिया वीक्स में और गिरावट देखने को मिल सकता है। वैसे ही अगर RSI की बात करें तो RSI भी काफ़ी गिर चुका है, और वहीं पर अगर आप देखोगे तो लगातार गिरावट देखने को मिला है इंडिया वीक्स में, और ये पॉजिटिव संकेत है सेंसेक्स और निफ्टी के लिए। जितना ज़्यादा इंडिया वीक्स में गिरावट होगा उतना ज़्यादा तेज़ी का हमें रुझान देखने को मिलेगा। चलिए अब निफ्टी 50 का थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट देखते हैं और समझते हैं कि मार्केट का मूवमेंट अभी कैसा आने वाले टाइम में हो सकता है। अगर देखा जाए, देखो अगर मैं ए बॉक्स की बात करूँ, ये MACD इंडिकेटर है, अगर इसके थ्रू अगर हम थोड़ा सा मार्केट का रिसर्च करें तो हमें देखने को मिल रहा है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव पॉइंट जुड़ सकते हैं मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर भाग रहा है, और अभी कोई संकेत यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए अगर दूसरे बॉक्स की बात करें जहाँ पे मैंने बी मेंशन किया है, जो RSI का डाटा है, ये भी आप देख सकते हो RSI भी यहाँ पे ऊपर की ओर मूव हो रहा है और कोई भी संकेत यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अगर सी के बॉक्स को देखा जाए जहाँ पे मैंने इंडिकेटर जो यूज किए हैं सुपर ट्रेंड और यहाँ पे बोलिंगर बैंड का यूज किया है, यहाँ पे भी अगर हम आंकड़ा देखें तो देखने को मिल रहा है कि मार्केट में और ज़्यादा तेजी आ सकता है। देखो निफ्टी की बात करें तो जो करेंट अभी निफ्टी का पॉइंट है वो 16,719 के करीब में है, और यहाँ पे हमें ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है अगर निफ्टी यहाँ पे 16,800 को क्रॉस करता है तो निफ्टी यहाँ पे 17,000 को भी टच कर सकता है। जी हाँ, इट मीन्स कि मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और आने वाले टाइम में कुछ और पॉइंट यहाँ पे निफ्टी 50 में जुड़ सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की बात करते हैं, सबसे पहले लमसम इन्वेस्टर की बात करते हैं। क्या ये लमसम का सही समय है? देखो आंकड़ों पे नज़र डालें, जब जब FII के साइड से यहाँ पे खरीदारी देखने को मिला है तब तक मार्केट में आपको एक नया छलांग देखने को मिला है। अब इस आंकड़ों से हम थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, और आंकड़ा ये भी कहता है कि इस पॉइंट से जो FII के साइड से खरीदारी हो रहा है यहाँ से 15-20% का गेन हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप लमसम करना चाहते हो, जो भी आपका बजट है उसका 30% का हिस्सेदारी आप यहाँ पे लमसम कर सकते हो। बाकी मैं पूरा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए मना करूँगा क्योंकि कोई नहीं बता सकता मार्केट में आने वाले टाइम में यहाँ 15-20% का छलांग दिख गया लेकिन उसके बाद गिरावट हुआ, तो आपके हाथ में पैसा भी होना चाहिए कि लमसम कर सके। आपका क्या राय है, आपके पोर्टफोलियो में अभी कितना पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब लाइक और शेयर तभी स्टार्ट करें। फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।